प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है और हर जगह मोदी के नाम गूंज है और इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम शुमार हो गया है। वो नाम है ट्विटर के मालिक मस्क, क्योंकि वो अब मोदी के मरीज हो गए हैं। टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मुलाकात के बाद मैं मोदी का फैन हूँ, भारत के भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हूँ, एलन मस्क ने कहा है। मोदी वास्तव में भारत की बहुत परवाह करते हैं, मस्क की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो एलन मस्क का ये बयान अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया के अमीर लोगों की सूची में नंबर एक की पोजीशन पे हैं एलन मस्क, और उनका ये बयान कि मैं मोदी का फैन हूं और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन खास लोगों से अमेरिका में मिलेंगे उनमें से एक नाम एलन मस्क का भी है। तो आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले मुलाकात हुई। Fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi's. बात हुई है टेस्ला के सह संस्थापक हैं एलन मस्क ने प्रधानमंत्री से। तो एलन मस्क के साथ जब मुलाकात हुई थी पहले, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं एलन मस्क, और एलन मस्क ने बयान दिया है कि मैं उनका मुरीद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर हैं। कल प्रेसिडेंट हाउस में भोज भी है, राजकीय भोज उनके लिए आमंत्रित किया गया है, जिसकी मेजबानी खुद राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे। तो बाइडेन और मोदी की दोस्ती भी सभी को जानता है, लेकिन एलन मस्क का एक नाम जुड़ना, एलन मस्क का ये कहना कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। राकेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एलन मस्क का यह बयान देना कि मैं मोदी का मुरीद हूं, कई बातें कहता है। आशीष, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जो हैं करीब 24 जो टॉप अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात रही, और उस मुलाकात में जो टेस्ला के प्रमुख हैं एलन मस्क, सीईओ ट्विटर के, तो उनसे यह मुलाकात काफी माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने जो रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और मोदी भारत के बारे में जिस तरह से चिंता करते हैं, इन सभी को भारत में बड़ा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सभी को प्रोत्साहित करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगले साल वे भारत आएंगे, और जिस तरह से जो आप जिक्षर दिखे, जो दोनों के बॉडी लैंग्वेज दिखिए, तो साफ दिखाता है आशीष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। राकेश जी, अगर इस पूरे दौरे को देखा जाए तो एक सबसे अहम बात यह भी है कि बाइडेन ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले बाइडेन ने चीन को लेकर एक कड़ा संदेश दिया था। चीन को लेकर बाइडेन का जो रुख है वो बहुत ज्यादा कड़ा है। ये बात भी दर्शाता है कि भारत की महत्वता जो है वो अमेरिका के लिए कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी इस पूरे बयान को लेकर। देखिए आशीष, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये दौरा के शुरुआत के समय ही जिस तरह से जो चीन का सरकारी जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें जो आर्टिकल आई थी, कहीं ना कहीं चीन को इस पूरी यात्रा को लेकर मिर्ची लगी हुई है, और उसमें प्रतिक्रिया आपने देखा था कि किस तरह से ये कहा गया कि भारत को ढाल की तरह यूज करना चाहता है अमेरिका। तो ये जो दोनों की दोस्ती है भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से प्रगाढ़ता दिख रहा है, और आपने देखा कि स्टेट गेस्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके लिए जो है जो बाइडेन ने स्पेशल डिनर का आयोजन किया है जिसमें से दोनों जो नेता हैं वो अलग अलग एक साथ मिलकर बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो है अलग से जो है स्टेट डिनर का आयोजन। तो ये साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत बढ़ते हुए रशूक का। मुझे लगता है राकेश जी ये बात जो चीन को हजम नहीं हो रही है, यही वजह है कि चीन ने साजिद मीर को जब ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने की मांग चल रही थी तो चीन ने उसमें अड़ंगा डाल दिया। चीन नहीं चाहता कि किसी भी तरह से जो रिश्ते हों वो अच्छे हों, और ये जो रिश्ते अच्छे बनते हुए उसे दिख रहे हैं, और यही वजह है कि चीन इस तरह की हरकतें भी कर रहा है।
देखिए चीन जो है, चीन में बौखलाहट साफ तौर पर दिखता है। जिस तरह से मैंने ग्लोबल टाइम्स के जो आर्टिकल आया उसकी बात में जिक्र कर रहा था, और आशीष अब जो है जो 26/11 का गुनहगार साजिद मीर के खिलाफ जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना, उसको रोकना, और ये साफ दिखाता है कि चीन जो है पूरे मसले को लेकर किस तरह से भारत से खौफ खाया हुआ है। और आतंकी को आप अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में आप पड़ंगा डाल रहे हैं, इससे दिखाता है कि आखिरकार चीन भारत को लेकर क्या सोचता है। और जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते या विश्व पटल में जो भारत की तस्वीर बन रही है उससे कहीं ना कहीं चीन में बौखलाहट है। राकेश जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को संबोधित करेंगे सदन को अमेरिका के, तो एक का मुझे लगता है कि एक सवाल सबके मन में होगा जिसका जवाब अमेरिका जानना चाहता होगा कि भारत की क्या भूमिका है रूस और यूक्रेन को लेकर, भारत का स्टैंड क्या है। भारत हमेशा ये कहता रहा है कि हमारा जो स्टैंड है वो तटस्थ है, हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन अमेरिका ये हमेशा से चाहता रहा है कि भारत जो है वो रूस पर दबाव बनाए या फिर वो यूक्रेन के साथ आ जाए, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या स्टैंड रह सकता है इंडियन गवर्नमेंट का अगर हम वहां पर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि पहले भी कह चुके हैं कि वो इसको लेकर तटस्थ हैं, यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इसको लेकर तटस्थ है। देखिए आशीष, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के दौरे के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने एक अमेरिकी जर्नल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, एक जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर जब ये प्रश्न पूछा गया था कि रूस और यूक्रेन को लेकर आपकी रणनीति को लेकर सवाल खड़ा होता रहा है, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं है। तो ये साफ दिखाता है, ये आपका देश का प्रधानमंत्री इस तरह की अगर अपने दो टूक शब्दों में अपनी देश की नीतियों को, वैदेशिक नीतियों को अगर उल्लेख करता है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार भारत जो चाहे अमेरिका हो चाहे रसिया हो, दोनों के सामने जो बातें कहनी है वो मजबूती के साथ जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि आंख में आंख मिलाकर बातें करना, वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राकेश जी कि प्रधानमंत्री हमेशा आंख में आंख मिलाकर बातें करते हैं और जो कहना होता है स्पष्ट कहते हैं, और यही वजह है कि जब फॉरेन मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत की जो भूमिका है वो तटस्थ है। लेकिन इस दौरे में कई सारे जो रक्षा सौदे हैं उन पर भी हस्ताक्षर होने हैं, खासकर जो 350 लड़ाकू विमान के लिए अगर हम बात करें तो उस वाले इशू पर क्या कुछ है। देखिए जी आशीष, आपने देखा कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हों या अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली पहुंचे थे, और जो जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच बातचीत हुई थी उसमें अमूमन जो है पूरी तौर पर रणनीति और जो एमओयू है उस पर कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। अब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, कई स्ट्रेटेजिक समझौते होने हैं, उसमें से एक समझौता जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरह से इस यात्रा को लेकर आपने अगर आशीष बात करें तो विश्व के सभी पेपरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा छाया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी, 350 लड़ाकू विमान बनाने की, इंजन बनाने की तकनीक को लेकर भी सौदा वहां पर बातचीत जरूर होगी और मुझे लगता है कि वो सक्सेस होगी। लेकिन आपको ध्यान में होगा राकेश जी कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां हर जगह नफरत के बाजार में मोहब्बत की बाजार को खोजने का दावा कर रहे थे जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए जिस तरह से भव्य उनका स्वागत किया गया, राहुल गांधी जो वहां पर मोहब्बत की दुकान खोल कर आए उसका कोई खरीदार उन्हें नहीं मिला शायद? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश दौरा आपने आशीष देखा है लगातार 2014 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला है, उसके बाद से जब भी जो विदेश के धरती पर प्रधानमंत्री उतरते हैं आप किस तरह से भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन इस बार का ये दौरा इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि ये जो है विश्व के चौथे ऐसे नेता होंगे जो कि दूसरी बार अमेरिका के जो संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, तो ये भारत की बढ़ती हुई साख का ही ये परिचायक है कि इस तरह से आपके लीडर को इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है।
जो अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रथम लेडी ने एक विशेष डिनर का आयोजन किया है, उसके लिए खास तौर पर मेन्यू की व्यवस्था की गई है। तो ये तो उस मेन्यू में क्या है राकेश जी, क्या इसकी भी जानकारी मिल पाई क्या कि उस मेन्यू में क्या कुछ है? देखिए आशीष, उसमें जैसा कि प्रधानमंत्री जो हैं पूरे आप जानते हैं कि शाकाहारी हैं, तो उनके लिए शाकाहारी व्यंजन की व्यवस्था की गई है और उसके लिए जो शेफ है उसको खास तौर पर जो है इस डिनर के व्यवस्था के लिए उनके साथ तीन और लोग जो हैं उसमें मदद कर रहे हैं। तो मैं उस नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि इसके लिए बड़े खास व्यवस्था की गई है। आशीष जी, राकेश जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, बांसुरी वादक हैं, संदीप बत्रा है हमारे साथ सिंगर हैं, स्वरूप भालवांकर हैं सिंगर हैं, रक्षा श्रीवास्तव हैं सिंगर हैं और शौर्य मेहता है सिंगर हैं। सबसे पहले नवीन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ दिन पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अवार्ड भी मिला और आप खुद जो बाइडेन से मिलकर आए थे, जरा उसके बारे में आप बताइएगा कि कौन सा अवार्ड था और जो बाइडेन से जब आपकी मुलाकात हुई थी किस तरह की मुलाकात थी वो? This is the award I got from the president's office in Washington, sir. I went for a musical tour and see, they have recognized my talent and they have put up for this thing, and I got this award from President Joseph R. Biden Jr. from his office. जब बाइडेन से आपकी मुलाकात हुई होगी तो उस वक्त संदीप जी मैं आपसे जानना चाहता हूं नवीन जी कि भारत को लेकर भी बात हुई होगी, क्या कुछ बाइडेन के मन में है वो भी बताइए दर्शकों को। No, it's a very prestigious award and I'm feeling very honored because my journey started in Andhra Pradesh and by 15 years I moved to Chennai and from Chennai to Mumbai and it's all going like I was traveling all over the world. But this is an incredible award, and that too I have received from the president itself. So I'm feeling so honored, sir, and I want to wish everyone a happy World Music Day. And music is the only one thing that will combine all the world. Naveen ji, aaj jo aap World Music Day bhi hai, jaisa hum sabhi jante hain, aur aap bansuri vadak hain. आपने 250 से ज्यादा फिल्मों में आपने काम भी किया है, आपने अपने संगीत को दिया है, अगर आप बांसुरी के स्वर में कुछ दर्शकों तक पहुंचा पाए। या श्योर, दिस इज माय कंपोजिशन एक्चुअली। बेहद खूबसूरत नवीन जी, बेहद खूबसूरत नवीन जी, बेहद खूबसूरत नवीन जी, बहुत ही शानदार। रक्षा श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा चूंकि आप भी गायक हैं, अमेरिका आपका आना जाना लगा होता होगा, अमेरिका में जो भारत की छवि है पिछले एक दशक की बात करें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं मोदी 2014 की बात से, छवि कितनी ज्यादा बदली है? जब इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जब घर का अभिभावक या देश का जो सर्वोपरि मुखिया है जी, वो यदि सशक्त होता है, शक्तिशाली, तो ऑब्वियसली वो इमेज चेंज होते हैं। पूरी दुनिया और पूरे विश्व का जो अब
दृष्टिकोण है भारत के प्रति वो वाकई बहुत बदला है। अमेरिका जो पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों में भारत को शामिल ही नहीं करता था, अब वो मोदी जी जो यूएस प्रेसिडेंट के वहाँ लंच पे जा रहे हैं, उनके साथ उनका बोझ है, उनके उनको इतनी वैल्यू दे रहे हैं, उतना प्यार करने लगे, उन्हें फॉलो करते हैं वो। विश्व के जितने भी बड़े नेता, दिग्गज नेता देख लें, वो सब उन्हें फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि ही इज़ वेरी प्रिंसिपल्ड, और उन्होंने भारत को उस जगह ला के, उस मकाम पर ला के खड़ा किया है जहाँ से हम एक शक्तिशाली भारत का भविष्य देख पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक साल में भारत की छवि को बाहर लाने और सुधारने में मोदी जी का बहुत हाथ है, और इसीलिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है भारत को कदमों पर देख रहा है, एक सुनहरे भारत की भविष्य हम सब देख सकते हैं। इस कड़ी में एक नया नाम भी जुड़ा है जो मोदी के मुरीद हो गए हैं। रक्षा जी, अगर हम बात करें वो नाम है एलन मस्क का। एलन मस्क ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिला तो मैं उनका मुरीद हो गया, और उन्होंने कहा कि मैं जरूर एक बार फिर उनसे मिलना चाहूंगा। भारत भी आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसको आप कैसे देखती है? कितनी खुशी है कि हमारे देश की जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें ट्विटर कंपनी के जो संस्थापक है वो उनके फैन, वो उनके मुरीद है, होना बहुत बड़ी बात है। और हम सब के लिए ये एक विश्वास और संबल का विषय है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इतने इतने शक्तिशाली हैं, इतने आदर्श हैं कि पूरी दुनिया उन्हें आदर्श बना रही है। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। हर भारतवासी आज जो है बहुत बहुत प्रसन्नता फील कर रहा होगा, बहुत खुशी फील कर रहा होगा। खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान इस तरह से बढ़ता है तो जाहिर तौर पर खुशी मिलती है। संदीप बत्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। संदीप जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में हर जगह मोदी मोदी की का गुणगान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजकीय भोज में भी शामिल होंगे, इतना ही नहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन है उसको भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। जी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली जैसे अभी बोला सबने कि जो एक शक्तिशाली नेता की यही पहचान होती है कि वो देश भर में जिसको बोलते हैं अपना लोहा मनवाए, और हम हमेशा से भारतवर्ष एक बहुत ही एक रिच कल्चरल एक हमारी एक पुरधरोहर रही है, और वो हमेशा से था, पर कुछ मेरे ख्याल से कुछ सालों में वो शायद फॉर सम रीजंस आई डोंट नो व्हाई वो वैल्यू शायद हमारे देश को नहीं मिली। पर आई थिंक पिछले 10 सालों में अब मैं भी कभी यूएस जाता हूँ, कभी परफॉर्म कर रहे हैं कुछ, तो जो रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट हमें मिलती है और जो पहचान मिलती है, आई थिंक डेफिनेटली वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर कि वो हमें उनने वापस वो पहचान दिलवाई हमारे देश। लेकिन संदीप जी, क्या कुछ बदल गया? आप कह रहे थे कि पहले की तुलना में चीजें अब बदल गई, अब जब आप अमेरिका जाते हैं तो एक नई पहचान के साथ वहां पर लोग आपसे मुखातिब होते हैं, लेकिन वो क्या चीजें हैं जो बदल गई? अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं ठीक से बता पाऊंगा क्या चीजें बदली हैं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि पिछले 9-10 सालों में जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश की छवि सिर्फ यूएस में नहीं, देश पूरे दुनिया भर में बहुत बदली है। हमारे देश को एक नई पहचान मिली है जो वो हमेशा से डिजर्व करता था। ऑफकोर्स हमारा कल्चर हर जगह जाता है। संदीप जी, मैं कुछ पलों के लिए आपको रोकूंगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इट इज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस, वेदर इट इज म्यूजिक और फूड, आर्ट और कल्चर, द डायवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रूली मैजेस्टिक। फ्रॉम द हाई हिमालयस टू डेंस फॉरेस्ट, फ्रॉम द ड्राई डेजर्ट्स to beautiful beaches, from adventure sports to meditation retreats, India has something for everyone. During our G20 presidency, we are organizing nearly 200 meetings in 100 different locations all over India. If you ask your friends who have already visited India for these meetings, I'm sure
that no two experiences will be alike. Excellencies, in India, our efforts in this sector are centered on preserving our rich heritage and at the same time creating world-class infrastructure for tourism. One of our focus area is on developing spiritual tourism. After all, India attracts pilgrims of every major religion of the world. After the infrastructure upgrade, the eternal city of Varanasi, just one of the major spiritual centers, now attracts 70 million pilgrims, a tenfold increase from earlier. We are also creating new tourist attractions such as the Statue of Unity. At the tallest statue in the world, it attracted about 2.7 million people within a year after it was built. In the last 9 years, we have placed special emphasis on developing the entire ecosystem of tourism in the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे. हमारे साथ हमारे 5 खास मेहमान हैं, वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, लेकिन बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां 24 खास लोगों से मुलाकात की, जिसमें से एक एलन मस्क थे. और एलन मस्क ने यह कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद बन गए. इसी बीच मोदी के अमेरिका दौरे से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत को मिल सकता है अमेरिकी MiQ-9B ड्रोन. अमेरिका से 31 हथियारबंद ड्रोन खरीदने की संभावना है. बड़े रक्षा सौदे पर भी आधिकारिक मुहर लग सकती है. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खरीद की अनुमानित लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए है. तो हमारे साथ हमारे 5 खास मेहमान बने हुए हैं, नवीन कुमार, रक्षा श्रीवास्तव, संदीप बत्रा, शौर्य मेहता और स्वरूप. सभी म्यूजिक के फील्ड से हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे भी है. शौर्य मेहता जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं. मोदी और बाइडेन की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है कि जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन मिलते हैं, अगर इस दोस्ती के ऊपर आपसे कुछ कहने को कहा जाए म्यूजिक के फॉर्म में, तो आप क्या कुछ करेंगे? मेरे ख्याल से पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूंगा सभी को वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए, आपके सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को. पर इसी बात पे एक बात यह है कि मेरा अभी एक गाना आया है करीबन 10-11 दिन पहले ही, जिसका नाम है खो जाए यू एंड मी. तो ऐसा ही कुछ इनका सोच है आई थिंक कि इंडिया और यूएस को वो साथ में मिलके आगे बहुत दूर लेके जाना चाहते हैं. तो कुछ ऐसा गाना है कि आ चल कहीं दूर चले, हवाएं बहे पैरों तले, ख्वाबों में कहीं खो जाए. इंडिया यूएस के लिए, You and me, we are free. Let's take it higher. You're all I see. Basically, sir, ये देखिए, you are all I see. जैसे कि देखिए, U.S. का जो दोस्ती है, जो relationship है, बहुत गहरी हुई है यहाँ से. तो मेरा ये मानना है कि आगे बहुत आगे सपोर्ट जो है हमको एक दूसरे का, रीजनल स्टेबिलिटी जो है बहुत आगे मिलने वाली है और हमें बहुत आगे सपोर्ट और एक साझेदारी जो है बहुत बढ़ते हुए, जुड़ते हुए और एक स्ट्रेंथ मिलते हुए दिखती है. स्वरूप भाई के पास भी चलते हैं क्योंकि स्वरूप भाई भी हमारे सिंगर भी है और कंपोजर भी है. स्वरूप भाई, आपने सौर्य भाई को सुना. सौर्य भाई दोस्ती की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे थे. स्वरूप भाई, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, किस तरह की शब्दों का जिक्र करना चाहेंगे म्यूजिक के फॉर्म में? इस मौके पर सबसे पहले तो सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुभकामनाएं और सारे अच्छे गुणी म्यूजिशियंस इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो बड़ी खुशी हुई है सबसे रूबरू होकर. तो ये जो मोदी जी और मेरी फेवरेट, मैं तो चाह रहा था कि मैं टेस्ला का इतना बड़ा फैन हूँ तो टेस्ला छोड़ो, टेस्ला के ओनर ही यहाँ आ रहे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है.
तो बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है हमारा इंडिया का पूरे दुनिया में और खास करके यूएस के साथ। तो इसी मौके पर एक हमारे महानायक अमित जी का एक गाना है, फिल्म का नाम मैं आजाद हूँ, जोशीला गाना है, वो मैं गाना चाहूंगा। जी जी। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ जी जान से जग पे छा जाओ जी जान से। स्वरूप जी, ये आपका जो गाना है वो मोदी और बाइडेन का नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान को डेडिकेट करना चाहूंगा मैं। जो शुरुआत आपने की है रक्षा जी, रक्षा जी के भी दिमाग में कुछ है। रक्षा जी आप भी अगर कुछ संगीत में कुछ पिरोना चाहती, मैं आता हूँ स्वरूप भाई आपके पास आता हूँ, रक्षा जी से भी एक बार पूछ लेते हैं। रक्षा जी के भी चूंकि बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है, रक्षा जी के दिमाग में भी कई सारे गाने, हजारों गाने एक समय दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन एक गाना जो होता है वो समय के हिसाब से हिट करता है, तो मुझे लगता है कि रक्षा जी के पास वो गाना आ चुका है उनके दिमाग में। रक्षा जी, मुझे आज क्योंकि मोदी जी का जो मोहब्बत करते हैं लोग उन्हें, उसे देखकर मुझे ये गाना याद आ रहा है और हम भी उन्हें डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे अभिभावक हैं। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्र का जो दारोमदार है उन्होंने अपने हाथों में लिए रखा है, उसी पर एक गाना याद आ रहा है। और चूंकि वो बाहर गए हुए हैं, वो अमेरिका में है, हमारे पास नहीं है, तो ये लाइनें कुछ इन पर बहुत अच्छी जमती हैं। वही गाना जी, ये तुम बिन कहीं लगता हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता हम क्या करें, तुम ही कह दो मोदी जी हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं हम क्या करें। बेहद मोदी जी बेहद खूबसूरत रक्षा जी। संदीप जी, रक्षा जी को आपने सुना? बिल्कुल बिल्कुल सुना रक्षा। संदीप जी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप भी कंपोजर हैं, तो मुझे लगता है कि दोस्ती के ऊपर आपने जरूर कुछ कंपोज किया होगा, आपके दिमाग में आ चुका होगा। अब दोस्ती के ऊपर बहुत सारे गाने हैं कंपोज किया हुआ है ऑब्वियसली, बट यू नो मुझे अभी दिमाग में जो एक गाना खास आ रहा है जी, यू नो इट्स अ फनी टेक ऑन दिस होल स्टोरी, क्योंकि आई वेरी वेल रिमेम्बर कि आज से शायद 15-20 साल पहले, जैसे मैंने बोला कि शायद हमारे देश को वो वैल्यू या वो महत्व नहीं दिया जाता था, स्पेशली बाय द सुपर पावर्स लाइक यूएस एंड चाइना, राइट? पर अब जो अब माहौल ऐसा है, या जो मैं बोलूँगा कि जो अब हमारे देश ने जो वापस करवट बदली है, एंड थैंक्स टू ऑफकोर्स मोदी जी हैज ब्रॉट दैट ग्लोरी बैक टू आवर कंट्री, एंड अब ऐसा लगता है कि दिस इज अ सॉन्ग दैट प्रोबेबली यूएस वुड लव टू डेडिकेट टू इंडिया, एंड दैट इज हाउ इट गोज। आ जा रे
बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत संदेश, बेहद बेहद खूबसूरत। नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। नवीन जी, बात अगर दोस्ती की हो, बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की हो, तो दोस्ती पे तो एक ही गाना ध्यान में आता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मरते दम तक तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अगर उसी को आप फ्लूट में अगर गा के सुना पाए, दर्शकों तक पहुंचा पाए। I'll play a common tune between the India and USA. Okay, sir. So, yeah, I think. It's one of my compositions only. Okay, sir. Why I played this tune is Pradhanmantri ji, he likes to approach all the fresh ways, you know. He's not going back, he's going front again. Oh, you know, that's great, sir. Reason like we are also got encouraged and we have a lot of freedom to do so many things, and it has opened more avenues. You know that it's an incredible improvement in India. And at the same time, when I got this award also, it's a beautiful friendship between the US and India. और वो दोस्ती बरकरार भी रहेगी नवीन जी। शौर्य जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश के दौरों पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कुछ एक नाम एक गूंजता है तो वो है मोदी मोदी। तो उस पर जो देश की जो गाथा आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा मान बढ़ता जा रहा है, उस पर अगर आप कुछ शब्दों में आप गा पाए तो। हालांकि एक गाना मेरे जहन में है, सुनो गौर से दुनिया वालों। स्वरूप उसके साथ एग्री कर रहे हैं। स्वरूप मैं आपके साथ आऊंगा, हालांकि अभी शौर्य जी को एक बार, शौर्य जी अपना गाना गा ले फिर उस पर आते हैं। सॉरी जी, आपको आवाज आ रही है? शायद कुछ तकनीकी खामियां हैं। स्वरूप आपके पास आऊंगा। स्वरूप, अगर इसी गाने को अगर आप अपनी आवाज में गा पाए, क्योंकि डंका तो बजी रहा है हिंदुस्तान का और वो पूरे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। जरूर हो जाए। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना से हो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। वाह, बेहद खूबसूरत स्वरूप। और मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान ने ये जरूर सुना होगा और समझ में उनको आ गया होगा कि सबसे आगे हिंदुस्तानी ही होंगे। सॉरी, आप तो आवाज आ रही है मेरी। मैंने चाइना जी चाइना और पाकिस्तान और जितने हेटर्स है जी, मोदी जी के जितने हेटर्स है, हाँ, उनके लिए एक गाना बहुत ही मेलोडियस गाना है और उसमें बंसी का जिक्र है, तो नवीन जी की भी एक अदा उसमें आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी। बिल्कुल, वो कहते हैं कि बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहां सुन सके तुम। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला,
सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। नहीं, अब हुनर को देख रही है दुनिया, शौर्य और स्वरूप अब हुनर को दुनिया देख रही है, और इसी हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तभी वजह है कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर भारत का डंका बजता है। और आप सभी ने कहा कि पिछले 9 सालों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो छवि है वो पूरी तरह से बदली है, पहले से कहीं ज्यादा मान और सम्मान मिलता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ नवीन कुमार, रक्षा श्रीवास्तव, संदीप बत्रा, शौर्य और स्वरूप जुड़े हुए थे। सभी ने अपनी बातों को रखा और सभी ने लयबद्ध तरीके से अपनी बातों को रखा और म्यूजिक के माध्यम से देश और दुनिया तक अपनी बातों को पहुंचाया, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे भी है और इसी अवसर पर वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट है वो बेहद खास है, लेकिन इस विजिट में और क्या कुछ खास होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।